दोस्तों पहला सवाल है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, यानी कहने का मतलब है कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एस चंद्रशेखर ने। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तीसरा सवाल है कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। अपना जवाब सोच लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जल विद्युत को श्वेत कोयला भी कहा जाता है और इसे इंग्लिश में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चौथा सवाल है कि जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। पांचवा सवाल दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव रहेगा, यानी बर्फ पिघलने के बाद पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा या घटेगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी उतना ही रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा। छठवां सवाल जरा सोच के बताइएगा। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, वह किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। सातवां सवाल है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी पृष्ठ तनाव, जिसको हम लोग सरफेस टेंशन भी बोलते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आठवां सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। अब चलिए बढ़ते हैं नौवें सवाल की तरफ। नौवां और इंटरेस्टिंग सवाल, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी हम जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है और पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, और जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है और जी का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। दसवां और अंतिम सवाल, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी अगर अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना हो तो उसके लिए हम लोग रेक्टिफायर का सहारा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का क्विज यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपने 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दिया, और लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।